नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, खरपतवार की वजह से किसान भाइयों के फसल में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है और बहुत सारे किसान भाई इसका नियंत्रण नहीं कर पाते हैं शुरुआती अवस्था में। तो आपने जो मुख्य फसलें हैं खरीफ के सीजन की, जैसे कि धान, कपास, मक्का, सोयाबीन और गन्ना, अगर आपने इन फसलों की खेती की हुई है तो आपकी फसल में ज़रूर से खरपतवार आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको उनका नियंत्रण कैसे करना है, कौन कौन से खतरनाक खरपतवार आते हैं आपकी फसल में, आपको शुरुआती अवस्था में उनका कैसे नियंत्रण करना है प्री इमरजेंस के रूप में, और अगर आपके खेत में उग गए हैं उगने के बाद आपको कैसा उनको नियंत्रण करना है उसके विषय में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण कृषि संबंधी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाले बटन पर क्लिक करके, और बाजू वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए किसान, मैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि खरपतवार के कितने प्रकार होते हैं और कैसे आप इनका पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी में आपका घास के रूप में, घास के रूप में बहुत सारे सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार उग जाते हैं, जैसे कि सावा, कोंडो, मकड़ा, दूब, वंचरी, गिनिया घास। तो ये सब जो मैंने नाम बताए आपको, फोटोज आप देख सकते हैं वीडियो के ऊपर, ये जितने भी खरपतवार हैं ये सक्रिय पत्ती वाले कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे कि साठी, कनकवा, कुंदरा, कंटीली चौड़ाई, मकोई, बड़ी दूधी, हजार दाना, जल भंगरा, पुनर्नवा, गाजर घास। तो ये सारे नाम है, आपने बहुत सारे नाम नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे, आपने कहीं ना कहीं अपने खेत में इनको जरूर से देखा होगा। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी में आपका आता है नरकट खरपतवार, जिसमें आपको मौथा, एलोनेटसेज, ये दो खरपतवार नरकट खरपतवार की कैटेगरी में आते हैं। तो किसान भाई, मैंने आपको तीन प्रकार बता दिए, सक्रिय पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले और आपके जो नरकट खरपतवार होते हैं। मैंने आपको फोटोज वगैरह दिखा दी, आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से प्रकार के खरपतवार होते हैं और कैसे वो दिखते हैं। अब सबसे मेन बात निकल के आती है कि अभी के सीजन में जब आपने खेती की हुई है, जो भी प्रमुख फसलें हैं आपके यहाँ की खरीफ के सीजन में, उनमें जो खरपतवार आते हैं उनका नियंत्रण आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहली फसल की, धान में। धान में जो भी खरपतवार आते हैं उनको आपको प्री इमरजेंस शुरुआती अवस्था में कैसे कंट्रोल करना है या फिर उगने के बाद वो कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआती अवस्था में बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं किसान भाई, जो परंपरागत तरीक़ों से निराई उड़ाई करके अपना इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये ऐसे होते हैं, आपको एक दो निराई गुड़ाई से नहीं जाते हैं, इनको आपको केमिकल के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सी दवाइयां हैं जिनको आप छिड़काव करने हैं उनको मैं आपको बता देता हूं, आप इन्हें नोट करके अपने मार्केट से जरूर से मंगवा के छिड़काव कर सकते हैं और खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो प्री इमरजेंस में बात करेंगे, प्री इमरजेंस मतलब आपको बुआई से 4 दिन के अंदर में ये दवाइयाँ डालनी हैं। धानको कंपनी का क्रेज नाम से दवा आप लोग के लिए उपलब्ध कराया गया है मार्केट में, प्रेटिला क्लोर 50% इसी, जिसमें घटक पाया जाता है, इस दवा को आपको 500 ml लेना है। उसके साथ ही आपको 20 से 25 किलोग्राम बालू लेना है, उसमें अच्छे तरीके से मिला के बुआई से 4 दिन से पहले अपने खेत में आपको इसको भुरकाव करना है। इसके भुरकाव से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी जरूर से जमा होना चाहिए। इसके प्रयोग के बाद आपको ध्यान में रखना है कि 2 दिन तक आपके खेत में पानी बना रहे। उसके बाद बात निकल के आती है, बहुत सारे किसान भाई प्री इमरजेंस नहीं कर पाते हैं शुरुआती अवस्था में, ये दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो खरपतवार रुक जाते हैं। तो जब क्रॉप आपकी बड़ी होने लगती है तो धीरे धीरे ये भी ग्रो होने लगते हैं उनके साथ साथ, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपकी फसल को, कमज़ोर कर देते हैं और आपके उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है। तो उस समय पे आपको कैसे नियंत्रण करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी किसान भाई पोस्ट इमरजेंस में इसका कंट्रोल करना चाहते हैं, तो नोमेडी गोल्ड नाम से दवा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आपको बिस्प्री बैक सोडियम 10% SC का घटक आपको देखने को मिल जाएगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली दवा है, आपको 20 से 25 दिन के अंतराल पर उपयोग करना है, 80 से 100 मिल लेना है और प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छे तरीके से अपने खेत में छिड़काव करना है। उसके बाद किसान में दूसरे नंबर पे जो प्रमुख फसल आपकी खरीफ के सीजन की, कपास। कपास के में भी शुरुआती अवस्था में आपने देखा होगा बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कल्चरल मेथड से, जो आप खुरपी वगैरह से आसानी से उनको निराई गुड़ाई करके कम कर सकते हैं, अगर कुछ ज़्यादा ही खरपतवार नज़र आ रहे हैं तो आपको दवाइयों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्री इमरजेंस में बात करें तो बीज जमाव से पहले आपको UPL कंपनी की दवा मिल जाएगी दोस्त नाम से,
जिसमें आपको पेंडीमेथिलीन 30% इसी फॉर्मुलेशन मिल जाता है। इस दवा को आपको 700 ml लेना है, प्रति एकड़ के हिसाब से 200 ड्रॉप पानी में अच्छे तरीके से मिला के अपने खेत में छिड़काव करना है। अब पोस्ट इमरजेंस में बात करें, जब कपास की फसल आपकी 20 से 25 दिन को जाती है, उस समय पे अगर आपको खरपतवार नियंत्रण करना है तो आप छिड़काव कर सकते हैं धानुका का डोजो मैक्स पायरीथियोबैक सोडियम 6% प्लस क्यूजालोफॉप एथिल 4% एमिसिल। इस दवा को आपको 450 ग्राम लेना है और प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के 20 से 25 दिन होने के बाद अपने फसल में छिड़काव करना है। उसके बाद तीसरी जो सबसे प्रमुख फसल है खरीफ के सीजन की, मक्का। मक्का की फसल में भी आपने देखा होगा शुरुआती अवस्था में भी, अब जब आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है उस समय पर भी बहुत सारे खरपतवार आते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है किसान भाइयों, अगर आप परंपरागत तरीके से उनको निकालना चाहते हैं तो मजदूर वगैरह लगवा के निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। अगर आप उससे कंट्रोल नहीं कर पाए तो शुरुआती अवस्था में आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आपको अटारी नाम से मिल जाएगी एट्राजिन 50% WP फार्मुलेशन वाला। इस दवा को आपको 600 ग्राम लेना है और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला के अपने खेत में स्प्रे करना है। उसके बाद अगर आप पोस्ट इमरजेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, उस समय पे आपको टोप्रामेजोन 33.6% एसी टिंजेर BSSF नाम की कंपनी की दवा उपलब्ध कराई गई है। आपको 30 ml मात्रा लेनी है और 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के अपने फसल में स्प्रे करना है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे प्रमुख फसल है खरीफ के सीजन में, वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन की खेती में भी किसान भाइयों खरपतवार की वजह से बहुत ज़्यादा हानि देने को मिलती है। तो शुरुआती अवस्था में अगर आपने निराई गुड़ाई करके थोड़ा बहुत खरपतवार कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही इसके प्रकोप दिख रहे हैं तो आपको प्री इमरजेंस में आप इस्तेमाल करना है। UPL कंपनी की दवा है दोस्त नाम से, पेंडीमेथिलीन 30% इसी घटक देखने को मिल जाएगा। इस दवा को आपको 1000 ml लेना है और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के आप छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं। सोयाबीन के बीज के जमाव से पहले अगर हम इसके पोस्ट इमरजेंस में छिड़काव की बात करें, अगर आपने सोयाबीन लगा दिया है और आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो गई है, उस समय भी आपको खरपतवार नियंत्रण करना है तो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ODC नाम की कंपनी की दवा आपको उपलब्ध कराई गई है एमाजेथा फायर 35% प्लस एमाज मार्क्स 35% WG। ये दो घटक वाली दवा आपको 40 ग्राम लेनी है और 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में स्प्रे करना है। उसके बाद किसान भाई पांचवें नंबर जो प्रमुख फसल है खरीफ के सीजन में, गन्ना। गन्ने की फसल में भी आपको खरपतवार नियंत्रण करना काफ़ी जरूरी पड़ जाता है। तो शुरुआती अवस्था में आपको सेम काम करना है, निराई गुड़ाई से जितना भी कंट्रोल हो रहा है खरपतवार वो निकाल दीजिए। अगर उसके अलावा कुछ ज़्यादा ही खरपतवार दिख रहे हैं तो आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो प्री इमरजेंस में बात करें, इस दवा को आपको बीज जमाव से पहले इस्तेमाल करना है। टाटा मैट्री कंपनी की दवा मिल जाएगी मैट्रीबुजिन 70% WP फार्मुलेशन वाला। इसको आपको 500 ग्राम लेना है और प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के अपने खेत में छिड़काव के माध्यम से देना है। उसके बाद पोस्ट इमरजेंस में बात करें, जब गन्ने की फसल आपकी 40 दिन की हो जाती है, BDMAR सुपर नाम से कंपनी की दवा उपलब्ध कराई गई है 24D अमाइन साल 58% SL फार्मुलेशन वाला। इस दवा को आपको 1 लीटर लेना है। उसके साथ ही किसान भाइयों टाटा मैट्री नाम से दवा उपलब्ध कराई गई जिसमें आपको मैट्रीबुजिन 70% WP फार्मुलेशन देखने को मिल जाएगा। इन दवा को आपको 40 ग्राम लेना, प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के अपने खेत में स्प्रे करना है। तो किसान भाई ये मैंने आपको बता दिया कि खरीफ के सीजन में जो आपकी प्रमुख फसलें हैं उनमें आपको खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है प्री इमरजेंस के रूप में शुरुआती अवस्था में, और जब आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है पोस्ट इमरजेंस यानी 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय पे कैसे आपको कंट्रोल करना है। तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी, कोई भी नाम समझ में नहीं आया है। अगर आपने कोई और फसल लगाई हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे खरपतवार नियंत्रण करना है तो आप जरूर से भारत एग्री किसी डॉक्टर से ला लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे चैट के माध्यम से कॉल कर अपने सवालों के हल पा सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो किसी अन्य क्रॉप पे वीडियो देखना है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, जरूर से आप सभी लोग के लिए उस पे वीडियो बनाई जाएगी। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।